नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पर राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। बता दें कि लगातार राजीव नगर में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 40 एकड़ जमीन में अवैध तरीके से निर्माण किए गए मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। ऐसे में बात करें तो कल से ही पप्पू यादव लगातार राजीव नगर और नेपाली नगर में पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही पप्पू यादव का साफ तौर से कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। आज सुबह की बात करें तो जबरन पप्पू यादव को राजीव नगर में उठाया जा रहा था, जिसकी तस्वीरें हमने देखी जब प्रशासन जो है वो खींच कर पप्पू यादव को धरने से उठाते हुए नजर आए थे। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर राजीव नगर थाने में पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। बता दें आपको कि प्रशासन ने पहले ही राजीव नगर और नेपाली नगर में रह रहे लोगों को अल्टीमेटम दिया था कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दिया जाए, लेकिन चूंकि वर्षों से लोग यहां रह रहे थे, जमीन खरीद कर इन लोगों ने मकान बनवाया था और यही वजह है कि अब मुआवजे की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है। साथ ही बेहद ही आहत करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर महिलाएं बच्चे रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं और इन सभी को संवेदना दे रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। पप्पू यादव कल से ही राजीव नगर में पहुंच रहे हैं, चाहे डीएम चंद्रशेखर सिंह से बातचीत करना हो या फिर सरकार पर सवाल उठाने हो, लगातार पप्पू यादव हमलावर नजर आ रहे हैं। और साथ ही ये कोई पहली बार नहीं है, जब भी पप्पू यादव की जरूरत लोगों को होती है तो सबसे पहले पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं, मदद का भरोसा भी पप्पू यादव की तरफ से दिया जाता है। और यही वजह है कि आज सुबह जब पप्पू यादव राजीव नगर पहुंचे तो महिलाएं पप्पू यादव को देखकर रोने लगी और पप्पू यादव को अपना बेटा कहती हुई महिलाएं जो है वो रो रही थी। और पप्पू यादव ने भी ये भरोसा दिलाया कि वो मदद करेंगे, हमेशा इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस बीच अब राजीव नगर में पप्पू यादव के खिलाफ जो एफआईआर है वो थाने में दर्ज कर लिया गया है, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। ऐसे में आगे अब क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है, पप्पू यादव पर एक्शन क्या कुछ प्रशासन की तरफ से लिया जाता है और राजीव नगर और नेपाली नगर से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है, ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।